वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान जो हमें पेन होता है उसमें आप कैसे इजीली राहत पा सकते हो, रिलीफ पा सकते हो। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पीरियड्स में पेन होता क्यों है। देखिए, पीरियड्स के दौरान जो ब्लड बाहर आता है उसके लिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि यूट्रस जो है थोड़ा स्क्वीज करता है खुद को, या फिर यूं कह लें क्रैम्पिंग होती है उसमें, और उस वजह से, उस क्रैम्पिंग की वजह से, उस स्क्वीज की वजह से हमें पेन महसूस होता है। आपने गौर किया होगा कि शुरू के 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा पेन रहता है, उसके बाद पीरियड्स तो आते हैं बट इतना पेन नहीं होता, और उन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा हैवी फ्लो भी रहता है। तो ये तो हो गई कारण की बात, अब होम रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन, जो भी ओवर द काउंटर पेन किलर्स होते हैं जैसे कि पैरासिटामोल या फिर आइबुप्रोफेन, उसकी डोजेज आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग पेन किलर्स लेना अवॉइड करते हैं, एंड इंक्लूडिंग मी, इवन आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड पेन किलर्स अननेसेसरीली। बट कई बार जैसे हम ट्रैवलिंग में हैं या फिर वर्क प्लेस पे हैं तो वहां पे और कोई दूसरी होम रेमेडीज ट्राई नहीं कर सकते, उस दौरान पैरासिटामोल या फिर आइबुप्रोफेन जो भी ओवर द काउंटर अवेलेबल हो उनकी रिकमेंडेड डोजेज ले सकते हो। नंबर टू, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से भी पीरियड के क्रैम्प्स में राहत मिलती है। या तो अगर आप घर पे हैं तो जस्ट तेजी से वॉक करिए, कोई भी वेट लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज मत करिए, जैसे कि तेजी से वॉक कर लिया या फिर थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, तो इससे भी पीरियड के क्रैम्प्स में राहत मिलती है, एंड आई पर्सनली ट्राइड इट, इट वर्क्स। नंबर थ्री, कुछ मत करिए, जस्ट गो एंड रेस्ट। कोई भी एक साइड करके लेट जाइए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, और थोड़ा सा टमी को स्क्वीज करके स्क्वैचिंग पोजीशन में जैसे आप बैठते हो उस तरह से स्क्वैट करके थोड़ा सा लेट जाइए, और चाहे तो आप पेट के पास पिलो रख सकते हो, बैक को भी थोड़ा सा पिलो को सपोर्ट दे सकते हो, इससे भी पीरियड के क्रैम्प्स के दौरान आपको रिलीफ महसूस होगा। चौथी चीज है कि जिस वक्त आप लेटे हुए हो उस वक्त हॉट वाटर बैग का सेक ले, पेट के निचले हिस्से पे उससे सेक ले, या फिर कमर पे अगर दर्द हो रहा है तो वहां पे भी सेक ले आप, इससे भी आपको पीरियड के क्रैम्प्स के दौरान रिलीफ मिलेगा। एंड नंबर फाइव, हॉट वाटर बाथ लीजिए, इससे भी पीरियड के क्रैम्प्स के दौरान आपको बहुत ही राहत मिलेगी। अगर आपके घर पे बाथ टब वगैरह के अरेंजमेंट है तो थोड़ा उसमें पानी फिल करें और पैर को सीधा करके थोड़ी देर आप उसमें बैठें, जिससे कि आपका कमर तक का हिस्सा पानी में डूबा रहे, इससे भी पीरियड के क्रैम्प्स के दौरान बहुत ही राहत पहुंचती है। और अगर बाथटब की सुविधा नहीं है तो भी आप जैसे कि सिर्फ शावर, गर्म पानी का जो शावर आता है उसको लीजिए, उससे भी आपको पीरियड्स के क्रैम्प्स के दौरान बहुत ही रिलीफ महसूस होगा। एक चीज और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगी, अगर आपको अनयूजुअल पेन महसूस होता है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब अनबेरेबल पेन अगर आपको पीरियड्स के दौरान हो रहे हैं, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। कई बारी एक्सट्रीम पेन पीरियड्स के दौरान किसी बीमारी का संकेत भी दे सकते हैं। तो अगर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन हर बार आपको हो रहा है, तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कांटेक्ट करें ताकि समय रहते आप उसका ट्रीटमेंट करा सके। ऑल दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज पेन्स आर नॉर्मल, बट जस्ट एज ए प्रिकॉशन मैंने सोचा यहां पे इस बात का भी जिक्र कर दूं कि कई बारी जो एक्सट्रीम पेन होते हैं पीरियड्स के दौरान वो कुछ डिजीज का भी संकेत दे सकते हैं, तो इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कीप स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक, और इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।